सब्सक्राइब कीजिए मेरे टेकेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस करिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, मेरा नाम शहबाज और आप देख रहे हैं टेकरी चैनल को। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से थंबनेल कैसे आप बना सकते हो ईजिली से विदाउट वेस्टिंग टाइम। मतलब कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से आइदर ट्रैवल करते हो या फिर आप कहीं काम से हो कि मुझे अभी वीडियो बनाना है, तो उसके पहले आप तैयारी कर सकते हो आराम से। तो गाइस मैं बताने वाला हूँ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई कुछ साइज़ की सेटिंग नहीं करनी पड़ती है, ना ही आपको साइज़ छोटी बड़ी कुछ भी नहीं करना होता है। और अगर आप ऑफिस वाले हैं जो नए नए यूट्यूबर्स हैं या कोई और है, तो ये होता मोस्टली क्या कि अगर आप ट्रैवल करते हो तब भी इसका भी यूज़ कर सकते हो, अपने टाइम बचा सकते हो। घर पे आप आके आराम से या फिर ट्रैवल में अपना लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं को ओपन करना पड़ता है, मोबाइल से ही डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कैसे आसानी से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाओगे, आपको पता ही होगा कि प्ले स्टोर से आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप थंबनेल जब क्लिक लिखोगे तो एक ही ऐसा ऑफिशियल होता है विदाउट कॉपीराइट का, जो आप यहाँ पे आप इंस्टॉल करके आप ले सकते हो। मेरा देखिए पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये देखिए इस तरीके से कुछ होगा। इसका 1,004.4 इसका रेटिंग है, ये अच्छा है। मैं तो मोस्टली यही यूज़ करता हूँ, आज तक जितना भी किया मैं इसी से किया, क्योंकि इसमें मेरा टाइम बहुत बचता है। मैं कहीं भी रहूँ, ऑफिस में रहूँ लंच टाइम में या फिर मैं ट्रैवल करता रहूँ, तो मैं अपने यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ पहले, एक्सक्यूज मी, ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आज अपने टॉपिक पर इसको मैं क्रिएट करूँगा किस तरीके से। तो देखिए पहले मैं अभी कुछ काम कर रहा था इस पर, तो पूछ रहा है कि क्या आप पहले जो काम कर रहे थे उसको आप वापस लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते हो। वुड यू लाइक टू लोड द लास्ट थंबनेल यू मेड? येस, मैं उसको वापस लेना आ जाता था, ये मैं बना रहा था, इस पर क्रिएट कर रहा था। अमेजोन पे सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या है, तो मैं उसी के बारे में देख रहा था। तो अभी ये सपोज मुझे ये नहीं, मैं अमेजोन का लूँगा, अभी बाद में लूँगा। अभी गज ये तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें देखिए, एक तो ये वो कलर्स के बारे में दिया हुआ है, कलर्स आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, ऐसा इस तरीके से सब कुछ कर सकते हो, ऐसा बैकग्राउंड्स है कोई भी आप सेट कर सकते हो, उसके ऊपर टाइप कर सकते हो, राइट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फोटो इसके ऊपर भी लगा सकते हो। ये देखिए इतने सारे चेंजेस आप कुछ भी इसमें आप कर सकते हो, ठीक है ऐसा। तो अभी हम देखेंगे इसमें कि आप अपने आसानी से, मैं तो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ वाइट बैकग्राउंड, तो ये चीज़ मैं कम यूज़ करता हूँ, तो मैं अपने वाइट जो बैकग्राउंड मेरा है वो मैं सेट कर लेता हूँ। ओके, तो मोस्टली मैं वही यूज़ करता हूँ अपने जो वाइट बैकग्राउंड है। ओके गाइस, ओके, अब दूसरा ऑप्शन आपका ये, जो दूसरा ऑप्शन जो आपका ये है ए प्लस जो है, इसका एक क्लिक करके यहाँ पे आप टैग्स राइट कर सकते हो अपना, मतलब कुछ भी होता है जो लिखना आपको है, जो भी कमेंट्स आपको, जो भी टाइटल आपको, नाम जो आपको पसंद है वो ऐसा टाइप कर सकते हो, जिससे मैंने टाइप किया है, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है आपको इमेजेस हैं, जो पिक्चर्स हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है यू ऐड न्यू आइकन, कुछ भी आप कर सकते हो। और जो चौथा लास्ट ऑप्शन है, इसको आप सेव ड्राइव और डाउनलोड जेपीजी, आप कुछ भी विदाउट वाटरमार्क, मतलब वाटरमार्क आपको दिखेगा भी नहीं कुछ नहीं, तो आसानी से ये ऑफिशियली थंबनेल बनाने के लिए ऐसा है, ठीक है, जो आपको पता ही होगा। तो चलिए मैं चलता हूँ कि ये फ़ोटो मुझे इम्पोर्ट करना है। इसमें देखो दो चीज़ ऐसा है, जो दो चीज़ है ये दोनों चीज़ आप क्या है, ऐड पिक्चर से मतलब एक क्लिक करोगे आप जैसे ही, ये डायरेक्ट आपको जिस तरीके से फाइल वहाँ होगा आपको बिना क्रॉप किए आप यहाँ सामने ला के वहाँ छोड़ देगा आपको। अब इसको जो क्रॉप एंड ऐड पिक्चर्स है, इस पर जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछेगा इंपोर्ट करने से पहले कि आप कितना इसको क्रॉप करना चाहते हो, राइट लेफ्ट कुछ भी वो कर सकते हो आप। ओके, तो अभी मुझे सपोज़ ये करना है, देखिए अभी ऐसा पूछ रहा है कि आप करना चाहते हो कैसे, ठीक है। इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लिया था क्योंकि मुझे इसे काम करना था, इसके लिए तो चलो मैं थोड़ा सा ले लूँगा ऐसा, ठीक है इस तरीके से। तो गाइस यही चीज़ है कि
ऐसे कर सकते हो। बाकी वो जो मैं राइट वाला बता रहा था ना, उसको आप नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली इम्पोर्ट हो जाता है। अभी इसको इम्पोर्ट करने से पहले वो पूछता है, जैसे ये देखिए ये कितना कर सकते हो, इसका कैसे आपके हिसाब से, ठीक है। तो आप ऐसे ये देखिए इस तरह से सेट कर लोगे, ऐसे हो जाता है इस तरीके से, जैसे भी कर सकते हो। ये सेटिंग आपसे करने से पहले तो सीधा डेस्कटॉप पे मतलब सटीक बैठे उस तरीके से आप इसको आप सेट कर सकते हो, राइट। तो अभी मैंने वो कर देना है कि ऐसा, और मुझे इसका ओके। अब मुझे अमेज़न का ऐसा जो लोगो होता है, नाम होता है, उसको मुझे लेना है यहाँ पे। जैसे मैंने ये देखिए आराम से, अभी मैं ऐसा लेता इसको तो बहुत सारा मतलब विदाउट, अभी मुझे ऐसा कर लेना है। ये देखिए अब मुझे क्रॉप को क्लिक कर देना है। अब मैं इसको अपने जगह पे जहाँ पे फिर करेगा वहाँ मैं सेट कर लूँगा, या फिर इसके ऊपर ऐसे कर दूँगा। ये सब PNG फाइल में है, क्योंकि PNG फाइल होता क्या है, बैकग्राउंड मिटा हुआ होता है, किसी को आप भी कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, नो कॉपीराइट्स, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे कितने सफाई से काम हो रहा है, और आप देख भी रहे होंगे जितनी मेरी वीडियोज़ है सब पे ऐसे ही इसी तरीके से मैंने काम कर रखा है, ठीक है। अब ऐसा करने से अब मैं अपना यहाँ फ़ोटो कुछ लगाना चाहता था, इसके लिए मैं राइट साइड में आप मैं अपना ब्लैंक छोड़ा था, तो अपना फ़ोटो जैसे मैंने अपना फ़ोटो ओपन करना है, इसको नहीं करना है मुझे, मैं फिर से आप वहाँ जाएंगे, इसको मुझे करना है अपने हिसाब से, मैं इसको क्रॉप कर लूँगा। क्रॉप करने के बाद ऐसा जो मुझे चाहिए जितना चाहिए, ये सबसे इजी होता है दोस्तों, ये बहुत ही चीज़ में कुछ सेटिंग्स से मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ऐसा, ये भी देख रहे हैं कि जो, ठीक है, ये मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको इस तरीके से, इसको ऐसा मैंने कर रखा है। ये देखिए मैं ऐसा थंबनेल में क्रिएट कर चुका हूँ, मतलब कर दिया हूँ। अब मुझे इसको सेव करना है, तो आप सेव का ऑप्शन कहाँ पे करोगे, जो तीन सा ऐसा ये बना हुआ है देख रहे होंगे, और तीन तीन लाइनें हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने की आप ड्रॉप्स में ड्रॉप्स कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ से मेल भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से मेल करता हूँ अपने सिस्टम पर, ताकि वहाँ पर जाके इसको मिल जाए, कुछ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर जाके मैं डाउनलोड करके अपना रख के थंबनेल पे, फिर वहाँ से मैं इंस्टॉल कर देता हूँ इस पे चाहिए। तो ये चीज़ हो गया, मुझे जहाँ तक लगता है कंप्लीट हो चुका है। मैं ऐसे इसको रखूँगा, ठीक है, किस तरीके से मैं कुछ भी और टाइप में कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे प्रोडक्ट्स को यहाँ मुझे इसको लगा देना है। मैं अब इसको कलर चेंज करता हूँ, तो कलर चेंज करने के लिए सॉरी, ये चीज़ आप यहाँ बॉक्स के ऊपर आएगा उसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद कुछ भी आप सेलेक्ट कर लूँगा मैं इसको, तो जो सेलेक्ट करूँगा ऐसे ये, तो मैं इसको ब्लैक करता हूँ, ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ और फोटो पे, जैसे अपने टी शर्ट पर मैंने क्या, मैं यूट्यूब का लोगो लगाने जा रहा हूँ, तो ये भी आप देख लीजिए लोगो कैसे आप करते हैं, कैसे क्या करते, सेम वही प्रोसीजर है, ठीक है। आप यूट्यूब पे जो लोगो है आप यहाँ पे यहाँ से इंपोर्ट करोगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब को ये चीज़ है, ये भी PNG फाइल में ही है, तो आप ऐसे इसे क्रॉप कर लोगे, सॉरी तो ऐसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट करके
ये थोड़ी क्वालिटी के लिए मैंने लगा रखा है कि ऐसे क्वालिटी जो रहेगी ना अच्छी लगती है इसमें ऐसा इस तरीके से। तो गाइस इसको मैं सेव करता हूँ, बस हो गया, दैट्स इट। अब इससे ज़्यादा कुछ जानने के लिए इस वीडियो में है नहीं। अगर आप अपने तरफ से करना चाहते हो तो कलरिंग का कुछ और करने का आप कर सकते हो बेसिकली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी ये चीज़ पता हो कि कैसे इसको थंबनेल आसानी से आप बना सकते हो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो गाइस अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।